हेलो एवरीवन, यहाँ एक सुंदर सा घर है। इसकी छत को देखिए, हम देख सकते हैं कि इसको लकड़ी के खंभों से सजाया गया है। जब हम ऐसे लकड़ी के खंभे लगाते हैं तो हमें उन्हें चमकाने की जरूरत पड़ती है, जिससे वे सुंदर और अच्छे दिखें। हम कितने सतही क्षेत्रफल में यह चमकाने का काम कर रहे हैं उसी के मुताबिक चमकाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो खंभे को चमकाने के लिए जो पैसे लगेंगे उसे जानने के लिए हम खंभों का सतही क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया निकालते हैं। हम खंभे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को आसानी से नाप सकते हैं। अगर हम बिना सोचे समझे इन सब की संख्या घनाभ के फॉर्मूला में डाल देंगे तो हो सकता है कि हम ज्यादा पैसे दे बैठें, क्योंकि एक घनाभ की 6 सतहें होती हैं। लेकिन क्या हमें 6 सतह दिख रही है? कौन कौन सी सतह खुली है जिन्हें चमकाने की जरूरत है? 1, 2 और 3, हमें 3 सतह को चमकाने की जरूरत है। तो आप 6 सतह के पैसे क्यों भरें और इन 3 सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हर सतह 1-2 आयामी आकृति होती है, जैसे कि जो खुले हुए चेहरे या सतह हैं, वे सब आयताकार हैं। इसलिए हम हर सतह के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे और उन सबको जोड़कर चमकाने के लिए कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वह 6 सतह के क्षेत्रफल से बहुत कम होगा, क्योंकि हमें केवल उसी सतह से मतलब रखना है जो दिख रही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि हर बार फॉर्मूला को रटना काम नहीं आता, कभी कभी आपको उसे समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। असल जिंदगी में हमारे सामने कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब फॉर्मूला का सीधा इस्तेमाल करना संभव नहीं होता। तो चलिए हम सतही क्षेत्रफल को समझने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।